जिब्रान ये आंसू देख रहे हैं मेडिका में, मेडिका में आपको लाखों लोग देख रहे हैं, क्या कहना है? जज साहब का भी शुक्रिया था, कहते उन्होंने बड़ा नहीं है सुना, और हमारा जो इशू था वो साल वहाँ बच्ची ने हमारी केवल में, जैसे आप लोग देखा हुआ, आप माँ बाप के साथ हैं इस वक्त, लोग देख रहे हैं बिल्कुल साथ है, क्या लगता है? बिल्कुल खुश है, दुआ भी लग रहा क्या आपके साथ जबरदस्त, बिल्कुल दुआ निकाल सकते हैं। बराबर आप देख सकते हैं कि मेरी काजमी अपनी बेटी को लेकर जा रहे हैं, आप लोग खुश हैं। ये इंशाल्लाह ताला, मैं कहती हूँ कि उसके बयान के बाद इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हमें इसकी कस्टडी मिल जाएगी और वो आज की रात अपने घर में हमारे साथ सोएगी। तो उम्मीद तो पूरी पूरी है, बहुत ज़्यादा है और बेचैन बहुत ज़्यादा। पूरी उम्मीद है, बाकी ये दुनिया तो आप देख ही रहे कैसी दुनिया है, आपने देखा है कि कैसे चक्कर चलाते हैं ये लोग। तो मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला बस हमें और मेरी बेटी को इस मुश्किल से निकाले और जो बच्ची का हक है, जो हमारा हक है, वो हमें मिले और बच्ची घर आ जाए और अब कोई भी गलत हरकत ना करे। चाची बहुत छोटी है, बच्ची बहुत छोटी है, आप ये देखें इतना छोटा बच्चा है तो वो क्यों नहीं बड़े बच्चियाँ या बड़े बंदे को उठाते, क्योंकि वो उनको खौफ में नहीं लेके आ सकते ना। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही उठाते हैं कि उनको डांटें समझाएं या जो भी खौफ दिलाते हैं माँ बाप की तरफ से कि उनको मार देंगे, उनके बहन भाई को कुछ कर देंगे, तो बच्चे तो खौफ में आ जाते हैं। तो वो इतनी छोटी बच्ची है, उन्होंने अपने पास रखी है, खुदा ना खासा कोई गलत चीज़ उनके पास हो, बच्ची को वो कह दे जाकर कि भाई तुमने नहीं बोलना, नहीं बयान देना, नहीं कुछ करना, तो बच्चा तो खौफ ज़्यादा हो सकती, मुझे इजाज़त नहीं है बताने की। लेकिन जो वो जब वो बताती है तो वो भी रोती है, फिर मैं भी रोती हूँ, इसलिए क्योंकि अब बच्ची पे इतना जुल्म हो ना तो माँ बाप तो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, और फिर जो बच्चे को आपने से लाश से पाला जी। तो बहुत मुश्किल है, पहले उसको देखना, फिर उसके गम को देखना, फिर उसकी तकलीफ को देखना, वो बहुत बड़ा है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बच्ची खैर खैरियत से, और बस अब हमें घर